नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जितेंद्र गुप्ता प्लम्बर को। तो दोस्तों, आज आपके बारे आपको बताएंगे सेफ्टी टैंक के बारे में। अगर आप सेफ्टी टैंक अगर घर में बनवाते हैं तो एक बात का आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होगा। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको लास्ट में बाथरूम तोड़ना होगा या सेफ्टी टैंक को आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे उसका उदाहरण अभी हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्यों बता रहे हैं कि आपको बाथरूम तोड़ना होगा और सेफ्टी टैंक भी आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सेफ्टी टैंक है और ये घर में बना हुआ है, और एक आप पाइप वहाँ पे देख रहे हैं, इधर बगल में बाथरूम है उसका वो पाइप लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। चलिए बताते हैं इस बाथरूम किधर है हमारा। आप देख रहे हैं कि एक ये बाथरूम हो गया, इसका पाइप लाइन वहाँ पर गया है, और एक यहाँ भी है, एक इंडियन टॉयलेट सीट जो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडियन टॉयलेट सीट लगा हुआ है, और ये पाइप हमारा ऊपर से लाइन आया हुआ है इसमें, जो सेफ्टी टैंक में गया है। इसमें गलती क्या किया है राजमिस्त्री, चलिए हम आपको बताते हैं। वैसा आपको काम नहीं कराना होगा, उस पर ध्यान आपको रखना होगा। बताते हैं सेफ्टी टैंक के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि क्या गलती किया है कि हम आपको बता रहे थे। उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। जब आप सेफ्टी टैंक अगर घर के अंदर बनवा रहे हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान जरूर रखना होगा। चलिए अब हम घुसते हैं सेफ्टी टैंक के अंदर। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये हमारा इधर जो हम बाथरूम बताए हैं उसका एक पाइप लाइन आया हुआ है यहाँ पे, और उधर जो बाथरूम है आप देख सकते हैं कि दो पाइप उधर का है। एक नीचे वाला जो इंडियन टॉयलेट है उसका पाइप है, एक ऊपर वाला का पाइप है। तो इसमें गलती कहाँ पे है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेफ्टी टैंक में किधर भी जगह आपका नहीं छोड़ा हुआ है। अगर ये सेफ्टी टैंक अगर भर जाता है तो इसका पानी कहाँ से आप निकालिएगा, इसका आउटलेट पाइप कहीं निकालने का जगह इसमें नहीं है। यही इसमें गलती किया गया है कि इसका जगह नहीं है। तो यहाँ पे आपको तोड़ाएगा, यहाँ पे तोड़ कर इसको डाउन किया जाएगा कि जाके आपका सेफ्टी टैंक जब भर जाएगा तो इससे पानी आपका आउट पानी बगल में 100 फीट बना हुआ है उसमें आपका चला जाएगा। तो इसको कितना लेवल पे डाउन करना है या हम आपको बताएंगे। थोड़ा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पाइप लगा हुआ है यहाँ आप देख रहे हैं कि 8 इंची पे है, तो वहाँ पे हम 10 इंची डाउन पे उसको जगह बनाएंगे ताकि पानी इस पाइप में नहीं सटा रहे और वहाँ पे डाउन पे निकल जाए। तो वहाँ पे हम तोड़ेंगे, 3 राधा वहाँ पे तोड़ा जाएगा, यानी 9 इंची से 10 इंची वहाँ पे हम तोड़ेंगे। तो दोस्तों, देख रहे हैं वहाँ पे एक इनपुट पाइप डाला हुआ है जो आप देख रहे हैं, जो 3 इंची वाला पाइप देख रहे हैं, उधर वाश बेसिन का पानी उसमें आ रहा है, और एक जो 4 इंची का टी जो देख रहे हैं ये आउटलेट पाइप डाला हुआ है। जैसे कि आपका 100 फीट का भर देख रहे हैं, 100 फीट का पानी निकलने के लिए वो पाइप डाला गया है, और ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये साइड वाला बाथरूम का पानी आ रहा है, तो वो 100 फीट बनाया हुआ है। अब इसमें टैंकी आपको इसी तरह टैंकी बनता है, टैंकी बनाने के बाद उसमें आपको छलांग बनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 10 इंची यहाँ पे तोड़ दिए हैं, यहाँ पे 8 इंची था वहाँ पे 10 इंची हमने तोड़े हुए हैं, इधर से 2 इंची हमारा डाउन हो जा रहा है, और वहाँ पे इसे छलांग वहाँ पे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे मसाला हमने तैयार कर लिए हैं,
अब वहाँ पे जो तोड़ा गया है छलांग बनाने के लिए, जहाँ से पानी आपका छन कर उधर जाएगा और कचरा सब इधर रह जाएगा, उस पर यहाँ से बनाया जाएगा। जिसे आप देख रहे हैं हमारे मिस्त्री अंदर जा रहे हैं सेफ्टी टैंक में। सेफ्टी टैंक में घुस कर काम करना बहुत मुश्किल होता है। जिसे आप देख रहे हैं टैंक, सेफ्टी टैंक में जा रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं ये छलांग बनाया जा रहा है, जिसे हम लोग यहाँ बोला इसको जाता है छलांग। जैसे यहाँ से पानी छलांग करके उधर जाएगा, यानी कचरा आपका सब इधर रह जाएगा, सिर्फ पानी आपका 100 फीट में जाएगा। और 100 फीट में पानी जाने के बाद उधर जो आप देख रहे हैं पाइप, वे आउटलेट पाइप बनाया गया है, जो इसमें का पानी आपका बाहर जाएगा। जैसे कि हम आपको पहले बताए हुए थे कि हमारा आउटलेट पाइप निकला हुआ है सेफ्टी टैंक से। तो सेफ्टी टैंक का पानी 100 फीट में जाएगा और 100 फीट से पानी आपका बाहर जाएगा। तो सेफ्टी टैंक अगर कभी भी आप बनवाते हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि अंदर में पाइप कैसे डालना है। देख रहे हैं इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है, इसमें पानी भी लगा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि एक मिस्त्री माथे पे मसाले लिए हुए हैं तगार में, और दूसरे मिस्त्री को देखिए कितना परेशानी हो रहा है इसमें काम करने में। वही मिस्त्री अगर पहले के जो मिस्त्री थे वो अगर शुरू में ऐसा काम किए रहते तो आज इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ता। ये कहिए कि हम लोग अभी देख लिए हैं, नहीं तो सेफ्टी टैंक अगर आपका चालू हो जाता तो उस समय कितना परेशानी होता, यानी आपका बाथरूम सेफ्टी टैंक सब तोड़ना पड़ता। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कुर धार बना दिया गया है, सिर्फ पानी ही उधर जाएगा छनकर, और इधर टॉयलेट इधर आपका रह जाएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए बाहर आपको बताते हैं कि आउटलेट पाइप कैसे निकाला गया। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बाहर पाइप पे निकाल दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से पे हमारा आउटलेट पाइप निकाला गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 4 इंची का ये बेंड दिखाई आपको दे रहा है। यहाँ से हम डाउन किए हुए हैं सीढ़ी के नीचे से, और यहाँ पे लाया गया है, और यहाँ से 45 डिग्री बेंड पर हमने घुमाए हुए हैं, और यहाँ से देखिए 90 डिग्री बेंड पर यहाँ से बाहर किए हुए हैं। इसी तरह आपको फिटिंग